आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों लेटर पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा चलो 21 जुलाई यानी कि आज नहीं कल इंडियन टाइम के हिसाब से तो आज ही होगा मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों पिछले साढ़े तीन साल से हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है एक देश के नाते आज अमेरिका दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है रमेश फालतू तो बकवास ये हमने हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट जो हैं वो करवाए हैं ड्रग कॉस्ट हमने लोअर की है कम की है जो दवाइयां मिलती हैं उसकी कॉस्ट हमने कम की है एफोर्डेबल हेल्थ केयर हमने अम, बहुत सारे अमेरिका को पहुंचाई है हमने क्रिटिकली जो केयर चाहिए होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेटर जो कि इस समय

जो सबसे बड़ा पैंडेमिक है उसको ओवरकम किया सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि ग्रेट डिप्रेशन की बात थी उसको ओवरकम किया हमने डेमोक्रेसी की रक्षा की है हमने अपने आप को रीबिल्ड किया रिवाइटलाइज किया स्ट्रेंथेन किया मेरा ग्रेटेस्ट ऑनर है कि मैं इस देश का राष्ट्रपति रहा और अब री इलेक्शन मैं नहीं करूँगा मतलब मेरा इंटेंशन तो था मैं इस इलेक्शन को लड़ूँ लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी का बेस्ट इंटरेस्ट और देश का इंटरेस्ट मुझे बोलता है कि इस समय मैं प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं लड़ू समझ रहे हो तो मैं अभी बात करूंगा देश से जो मेरा डिसीजन है फिलहाल अभी मैं बहुत लोगों का शुक्रिया बोलना चाहता हूं जिन्होंने मुझे रिलेक्ट किया मैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का शुक्रिया बोलना चाहता हूं गजब की पार्टनर रही हैं वो और मैं अमेरिकन लोगों का शुक्रिया बोलना चाहता हूं आज हमेशा से यू you नो know, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिका कर नहीं सकता आगे जो हम करेंगे हम साथ में करेंगे हमको समझना है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यह लेटर जो बाइडेन का है और जो बाइडेन ने साफ कर दिया है फाइनली जो कि उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अब जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर डोनाल्ड ट्रंप का पे जो हमला हुआ वो उनके लिए गजब साबित हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद जिस तरीके से हाथ उड़ाया बंदे में दम है बंदे में दम है बस और ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है वैसे भी जो की कर रहे थे। वो क्या, क्या सुन रहे थे कमला हैरिस नो डाउट एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है इंडिया ने सबसे पहली बात तो ये है हालांकि उनकी जो मम्मी है वो यहां पे उनका तमिलनाडु में जन्म हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने शादी की जमैकन व्यक्ति था उनसे शादी की उनका जन्म जो है कमला हैरिस का वो यहां आती ही रहते थे इंडिया में लेकिन जन्म उनका अमेरिका में ही हुआ और पढ़ाई भी उनकी वहीं हुई तो कमला हैरिस जो हैं वो जो बाइडन से बहुत बेटर हैं डिबेट्स अभी होनी है डोनाल्ड ट्रंप को क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि जो बाइडन टक्कर कभी दे ही नहीं सकते थे इस समय जिस जैसे उनकी मेंटल हेल्थ है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको तो डायमेंशिया है बहुत कुछ मतलब सोर्सेज मैंने जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उसमें मैंने यह भी देखा कि इनको डायमेंशिया भूलने की बीमारी और वो साफ दिखता भी है उम्र चढ़ गई है जो के जो के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ऊपर जाती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब से हमला हुआ है हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तगड़े से उनको सपोर्ट कर रहा है भैया नक सपोर्ट मिल रहा है उनको आप समझ रहे हो अगर जो बाइडन रहते तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना निश्चित अभी भी बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप को हराना लेकिन अब एक स्टेबल इंसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब बहस करेगा तो देखने वाला होगा कि क्या होता है सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो बाइडन ने आखिरी मिनट पे स्टेप डाउन क्यों किया भाई सिंपल सी बात है कि फंडिंग घटती जा रही थी डेलीगेट्स हैं डेलीगेट जाते हैं लोग डेलीगेट्स को चुनते हैं उसके बाद डेलीगेट्स जाते हैं फिर नेशनल कन्वेंशन में मतलब डेलीगेट्स और कॉकसस नेशनल कन्वेंशन में वहां पे फिर प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को चुना जाता है उसके बाद वोटिंग होती है फिर इलेक्टोरल हाउस

डेली मेल की बात करें तो इन्होंने शनिवार रात को यानी कि परसों रात को एक मीटिंग बुलाई और इनके टॉप एडवाइजर स्टीफ रिश्टी माइक डोनेलन ये वही लोग हैं जो डोनल्ड जो बाइडेन को बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं बचपन से इनका इन द सेंस कि जब से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है जब जो बाइडेन सेनेटर थे तब भी इन दोनों लोगों का भयानक सपोर्ट था एक्चुअली क्या है कि जो बाइडेन समझ गए थे स्टेप डाउन नाम ही नहीं ले रहे थे डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनको समझा रहे थे कि अरे मेरे भाई उतर जाओ इलेक्शन मत लड़ो नहीं नहीं अब उसके बाद जो ने क्लोज मीटिंग बुलाई उन लोगों से बात की जो इनके करीबी थी उसी में से रिशेटी और माइक डोनेलन थे क्योंकि बाकी जो डेमोक्रेट्स है वो थोड़े सरप्राइज है कि हर किसी से कंसल्ट नहीं किया इन दोनों से कंसल्ट किया इनको बुलाया अब वही है कि जब से सेनेटर थे और बहुत ही ट्रस्टेड हैं उसके बाद एनी टोमासनी और एंथनी टोमासनोल जो कि अगेन जो बाइडेन फैमिली के बहुत क्लोज है मैंने बताया ना कि रिलेटिव्स को बोला भाई देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो आप अपनों से ही सुझाव लेते हो कि करना क्या चाहिए उन लोगों से आप सुझाव लेते हो जो सही बात बताए वरना तो वही है कि पेड़ पर पे चढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो बताते हैं कि बहुत सारे चीजें देखी यहाँ पे इन सब ने केयरफुली जो है वो असेसमेंट किया और बोला कि देखिए बहुत सबूत आपके खिलाफ है और जिस तरीके से आपका प्रेसिडेंशियल कैंपेन जा रहा है फंडिंग भी कम होती जा रही है कोई भी बिग डोनर ऐसा नहीं कि एक लाख डॉलर का चेक लिख देगा समझिए मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप जीत नहीं पाएंगे उसके बाद जो बाइडन ने फैमिली मीटिंग की लगभग रात में संडे को या संडे हो गया था सैटरडे को रात में मीटिंग बुलाई उसके बाद सोचते रहे फिर रात में पौने दो बजे मीटिंग बुलाई मतलब वही संडे को पौने दो बजे मतलब आज के दिन ही इन्होंने मीटिंग बुलाई कल के दिन और उन्होंने मतलब जितने भी क्लोज़ फैमिली मेंबर थे डेलावरे में बीच पे आराम कर रहे थे वहां पे सब ने यही बोला कि सर आप स्टेप डाउन हो जाइए आप समझ रहे हैं अब वक्त आ गया है और प्रेसिडेंट कमला हैरिस सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शमर से ऑलरेडी बात हो चुकी थी कमला हैरिस से भी घंटों घंटों इन्होंने बात की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फाइनली इन्होंने सोचा कि ज़रूरी है कि हम स्टेप डाउन करते हैं और अब कमला हैरिस जो है

वो भी कहीं ना कहीं जब से हमला हुआ है तब से डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आ रहे हैं तो इसीलिए दिख रहा है कि जो बाइडन का अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो जीतने से हम रहे हमारा सबसे डेमोक्रेट्स का सबसे खराब परफॉर्मेंस तक का रहेगा तो ये बेस्ट डिसीजन है कमला हैरिस जो है वो खड़ी होंगी जो बाइडन के सामने डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैं भी जो बाइडन हो गया हूँ दिया और देखना दिलचस्प होगा कि जब बहस होगी डोनाल्ड ट्रंप से तो क्या होगा तो ये खबर थी और हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों ये जो हमने शानदार कोर्स निकाले सर छः सौ रुपये का इसकी क्लासेस परसों से शुरू हो गई हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए और लक्ष्य बैच हमने दस हजार रुपये का एक साल का निकाला है थैंक यू सो मच